अच्छा, डीजल के बस में डीजल की चोरी होती है, इलेक्ट्रिक बस में चोरी करने का कोई चांस नहीं। अच्छा, टिकट के भी सिस्टम को ऐसा बना दिया कि एक तो मोबाइल फोन पे या कार्ड पर, तो वो टिकट कंडक्टर कभी टिकट काटते नहीं था, वो जेब में पैसा रख देता था, तो सब लॉसेस में। मैं खुश हो गया और मैंने चेन्नई IIT को कहा कि मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता हूँ रिसर्च के लिए। 50 करोड़ रुपये मैंने दिए कि भाई आप मेरे डिपार्टमेंट से, कि आप शिपिंग से रिलेटेड आप सब रिसर्च करो। और रिसर्च को जैसे हम गोल्ड ऑर्नामेंट जैसे सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखते हैं, वैसे रिसर्च पेपर किसी को ना समझे ऐसे सील करके रखते हैं। रॉयल्टी लेना तो लो, तो बताओ तो लोगों को, देते नहीं। बहुत से रिसर्च सरकार में भी डिफेंस के अनेक ऑर्गेनाइज, प्रधानमंत्री का बाहर निकालो दो लोगों को। तो अभी इलेक्ट्रोलाइजर में हम लोग वर्ल्ड में सबसे हाई नंबर वन है, वी आर द नंबर वन मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। बंगलोर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने इनॉग्रेट किया एक फैक्ट्री को, और वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ। हमारा नंबर 5वां है, 5th इन द वर्ल्ड। और पावर, वाटर पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, चार बातों के सिवा इंडस्ट्री नहीं है। तो मैंने कहा कि एक पायलट प्रोजेक्ट तुम बनाओ, विदेशी कंपनी के बजाय मैं आपको काम देता हूँ, एक पायलट प्रोजेक्ट बनाओ, अगर सक्सेसफुल हुआ तो मैं 1200 करोड़ का आपको काम दूंगा 30-40 प्रोजेक्ट का। तो ऊपर के ऊपर जाने के लिए उसने ऐसा डिज़ाइन तैयार किया है कि उसमें भेड़ बकरी भी जा सकती है, टू व्हीलर भी जा सकता है, और नीचे लोग भी बैठ सकते हैं, और ऊपर में ऐसी जाएगी तो वहाँ के लोगों का जीवन ही बदल जाएगा। तो दिल्ली का पानी अच्छा नहीं है, महाराष्ट्र बहुत अच्छा है, मुंबई बहुत बेस्ट है, दिल्ली। गवर्नमेंट मेजोरिटी पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, बट दे आर यूजिंग देयर ऑल नॉलेज टू कन्विंस द मिनिस्टर दैट हाउ दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, हाउ इट इज डिफिकल्ट। हमारे रोड सेक्टर में काफी IITs काम करती है, बॉम्बे IIT को भी हम हर जगह बहुत। आपको और एक अच्छी बात बता रहा हूँ कि IIT वाला क्या कर सकता है। मैं शिपिंग मंत्री था तो कलकत्ता में एक हल्दिया पोर्ट है, तो वहाँ एक हमारी चैनल थी, तो मेरे साथ एक IIT का लड़का अरुण नरेंद्रनाथ करके काफ़ी देर का अभी वर्ल्ड बैंक में गया, तो उसने कहा कि हाँ ये जो पुराना चैनल है इसको हम अच्छा कर सकते हैं, जिससे हमारा 250 करोड़ साल का ड्रेजिंग का पैसा बचेगा। तो मैंने पोर्ट चेयरमैन को कहा, उसने कहा सर ये इम्पॉसिबल है। तो मैंने कहा कोई कंसल्टेंट को पूछो, बोले नहीं नहीं वायबल नहीं है। अब मुझे क्या मालूम कि 250 करोड़ के काम में काफ़ी लोगों का लाभ मिलता है ना। तो उसने कहने के बाद फिर मैंने आखिर गुस्से में आकर एक कमेटी अपॉइंट की और चेन्नई IIT के एक प्रोफेसर को काम दिया और उनको कहा कि ये चैनल हो सकती है क्या। उनने पॉजिटिव रिपोर्ट दिया और फिर वो चैनल हमने चालू की। आपको ताज्जुब होगा, तब से 200 करोड़ रुपए साल के बच रहे और वो चैनल अब चालू हो गई कल हल्दिया पोर्ट में, बिकॉज ऑफ IIT। मैं खुश हो गया और मैंने चेन्नई IIT को कहा कि मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता हूँ रिसर्च के लिए। 50 करोड़ रुपए मैंने दिए कि वे आप मेरे डिपार्टमेंट से, कि आप शिपिंग से रिलेटेड आप सब रिसर्च करो। तो ये निश्चित रूप से फ़ायदा है। और इसलिए एक बात और एक ज़रूरी है कि हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो प्रधानमंत्री कहते हैं, ये साइलो में काम करती है। और रिसर्च को जैसे हम गोल्ड ऑर्नामेंट जैसे सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखते हैं, वैसे रिसर्च पेपर किसी को ना समझे ऐसे सील करके रखते हैं। रॉयल्टी लेना तो लो, बताओ तो लोगों को, देते नहीं। बहुत से रिसर्च सरकार में भी डिफेंस के अनेक ऑर्गेनाइज, प्रधानमंत्री का बाहर निकालो दो लोगों को। और ये अगर होगा, जैसे मैं ऑटोमोबाइल का काम करता हूं, मैं अभी ट्रांसपोर्ट मंत्री मिनिस्टर मेरे पास है। अब मैं 260 केबल कार बना रहा हूं, रोप वे फनोकुलर रेलवे बना रहा हूं 260। तो लद्दाख और लेह में, श्रीनगर और लद्दाख लेह को जोड़ने वाली कारगिल में मैं टनल बना रहा हूं, और उसमें आपको खुशी होगी कि यह टनल 12000 करोड़ की थी, 4 बार टेंडर हुई। पर हमारे लोगों ने साल भर हमने अध्ययन किया उसकी, काफ़ी टेक्नोलॉजी और इसमें रिसर्च किया, और अब टेंडर निकला तो हमारे 5000 करोड़ बच गए, हमने कॉस्ट बचाई। और अभी वो टनल वहाँ जो है लद्दाख लेह में पहाड़ी पर लोग रहते हैं। तो मैं एक IIT का, ये शायद आपके मुंबई IIT के ही होंगे वो पता नहीं मुझे, गोवा में है, उन्होंने एक छोटा सा फेनेकुलर रेलवे बनाई है। तो मैंने उनको बुलाकर वहाँ के गवर्नर के पास भेजा और अब वो, मैंने कहा कि एक पायलट प्रोजेक्ट तुम बनाओ, विदेशी कंपनी के बजाय मैं आपको काम देता हूँ, एक पायलट प्रोजेक्ट बनाओ, अगर सक्सेसफुल हुआ तो मैं 1200 करोड़ का आपको काम दूंगा 30-40 प्रोजेक्ट का। तो ऊपर के ऊपर जाने के लिए उसने ऐसा डिज़ाइन तैयार किया है कि उसमें भेड़ बकरी भी जा सकती है, टू व्हीलर भी जा सकता है, और नीचे लोग भी बैठ सकते हैं, और ऊपर में ऐसी जाएगी तो वहाँ के लोगों का जीवन ही बदल जाएगा। नहीं तो इतना डीजल से इतना टाइम भी लगता है और तकलीफ भी होती है।
अब बहुत जगह मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, अभी बंगलोर में मैं गया था, इतना बंगलोर में ट्रैफिक जाम है, इतना पोल्यूशन है। तो मुख्यमंत्री को मैंने कहा कि मैंने हमारे यहाँ एक प्रेजेंटेशन डॉफल मेयर करके कंपनी ऑस्ट्रिया की, वो हवा में चलने वाली डबल डेकर बस थी, मुंबई में ऐसी चाहिए, और वो बनाने के लिए हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। तो वो डबल डेकर बस है, 200 लोग ऊपर के ऊपर हवा में जाएंगे, जैसे ये पवे के पहाड़ से ऊपर निकल कर नरीमन पॉइंट तक ऊपर के ऊपर जाएंगे, तो ये एकदम आपको आसानी होगी, समय बचेगा। अच्छा, डीजल के बस में डीजल की चोरी होती है, इलेक्ट्रिक बस में चोरी करने का कोई चांस नहीं। अच्छा, टिकट के भी सिस्टम को ऐसा बना दिया कि एक तो मोबाइल फोन पे या कार्ड पर, तो वो टिकट कंडक्टर कभी टिकट काटते नहीं था, वो जेब में पैसा रखते था, तो सब लॉसेस में है। तो मुझे लगता है कि अभी देश में अगर ठीक से हुआ तो 1,000,000 बसेस लगेगी इलेक्ट्रिक की, डबल डेकर, एयर कंडीशन, लग्जरी बसेस। अब धीरे धीरे उसके चार्जिंग के, मैं जब पहले ये बात करता, लोग बोलते थे रास्ते में गाड़ी बंद हो गई इलेक्ट्रिक की तो कैसे करेंगे, और दुनिया भर के सवाल पूछते थे, अब कोई नहीं पूछता, अब वो सक्सेस हो गया। अभी हमारे देश में टाटा के इलेक्ट्रिक कार के लिए 1 साल की वेटिंग लिस्ट है। अब लोग मेरे पास आते, तुम्हारी चिट्ठी दो और आउट ऑफ टर्न हमको गाड़ी मिला के दो। अब वो पॉपुलर हो गया, इलेक्ट्रिक पॉपुलर हो गया। अभी LNG का ट्रक मैंने लॉन्च किया पुणे में, उसमें 50% डीजल की तुलना में बचत है, और एक इसमें वो 1400 किलोमीटर चलता है, ब्लू एनर्जी करके कंपनी है उनका, पुणे में मैंने ट्रक लॉन्च किया। अभी मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की, अब सब गाड़ियां बदल रही, जो नहीं बदले वो नुकसान ही कर रहे, उनका सेल कम हो गया। एक बहुत बड़े उद्योगपति है एटवेल के, उनको मैं बहुत कहता था कि तुम इलेक्ट्रिक में जाओ, तो उनने मुझे भी बताया, आप बोलते थे बोले इलेक्ट्रिक में जाओ, पर हमारा आपके ऊपर विश्वास नहीं बैठा, ये हो नहीं पाएगा, पर आपने कर लिया, अब हमको लगता है बोले कि हम बस मिस कर दिए हमने। अब इलेक्ट्रिक में 400 स्टार्टअप है, और वो ऐसी स्कूटर बना रहे हो, दिमाग तो लगाते हैं, होशियार है आप IIT वाले, अब वो 125 किलोमीटर की बजाज और TVS की स्कूटर है, ये 60 किलोमीटर की बनाए, तो बैटरी की कॉस्ट कम होगी, दिन की सस्ती है। तो उन्होंने स्टडी किया कि एक स्कूटर वाला दिन में 24 से 26 किलोमीटर ही चलता है, तो फिर 125-30 किलोमीटर की जरूरत ही नहीं, तो कॉस्ट कम हो गई। तो 60,000 और 70,000 में 2-व्हीलर मिल रहा है, तो छोटे छोटे लोग, सफाई कामगार, पीयून, सिक्योरिटी गार्ड, सब स्कूटर ले रहे हैं, तो उसकी डिमांड भी बढ़ी है। अभी कार्ड बन गया, ई रिक्शा हुआ, ये ई रिक्शा आज देश में मुझे बहुत बार पूछते लोग कि आपने सबसे अच्छा काम कौन सा किया, तो मैं एक ही बताता हूँ कि साइकिल रिक्शा को बंद किया। 1 करोड़ लोग आदमी को ढोने का काम करता था, ये टेक्नोलॉजी है, ये मैकेनाइज ड्रिवन ई रिक्शा आया, और मैं नया नया मंत्री बना था, मैंने खूब उसको प्रमोट किया, तो ये जिनके धंधे इससे खराब हुए वो कोर्ट में गए, तो मैंने अलाउ किया था कि वो इसका चक्का लो, उसका एक्सल लो, तो मुझे हमारे डिपार्टमेंट के लोग बोले इसका ये, उस कंपनी का ये, मैं लगा देखो महात्मा गांधी जी ने एक बात बताई थी कि जब तुमको कोई भी निर्णय करना पड़ेगा, अगर वो निर्णय तुम तुम्हारे स्वार्थ के लिए करते हो तो गलत है, पर गरीब के हित के लिए करते हो तो उस कानून को तोड़ना है तो तोड़ो। मैंने बोला ये तोड़ो, भले वो बजाज का एक्सल लो आप या हीरो का चक्का लगाए, ये स्टैंडर्ड है, इसको अलाउ कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट तक केस चली, हम जीत गए, और आज 1 करोड़ लोग जो थे आदमी को ढोने का काम करता था, जो पीठ पर अपना 1 क्विंटल का बोझा लेके चलता था, वो ई कार्ट आ गए, ई रिक्शा आ गए, अब अमेजोन ने पूरे ई रिक्शा, सब जगह ई रिक्शा आ गए, ई कार्ट आ गए, और देश में 1 करोड़ लोग एक प्रकार से मानवीय गुलामगिरी से मुक्त हुए, उनका शोषण खत्म हुआ, और आज मैकेनाइज ड्रिवन ई रिक्शा चला। मैं मजाक में कहता, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली दिल्ली में, तो काफ़ी दोस्त हुए बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर, तो फिल्म एक्टर, अभी सब इंटरनेशनल लोग भी मुझे मिले, काफ़ी लोगों से संबंध आया। तो मुझे एक मित्र ने कहा कि आपको क्या महसूस होता है, मैं कभी दिल्ली नहीं जाता था, पहली बार पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंट बन के पार्टी का दिल्ली गया था, तो दिल्ली का पानी अच्छा नहीं है, महाराष्ट्र बहुत अच्छा है, मुंबई बहुत बेस्ट है, दिल्ली में बड़ा होशियारी से काम करते लो। होशियारी का शब्द अर्थ आप एग्जैक्ट समझ लो। तो मैंने उनको बताया था कि जिन लोगों को मैं बहुत बड़ा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं जितना बड़ा समझ रहा था उतना वो बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे हैं, और मैं जिनको बहुत छोटा समझ रहा था, उन लोगों के नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े हैं। और ये मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। अब मैं इतना राजनीति में कि जब टिकट नहीं मिलता तो कैसे लोग नाराज होते हैं, घर के बाहर निकाल देते हैं, गालियां देते हैं, उसका मैंने बहुत अनुभव लिया है।
तो मुझे लगा कि ये इसके ऊपर ना एजुकेशन है ना संस्कार है, इसने कितना अच्छा व्यवहार किया। तब मेरे ध्यान में आया कि केवल एजुकेशन से ही प्रगल्भता आती है, अच्छा व्यक्ति बनता है, ये सच नहीं है। विद्वान बनना और अच्छे व्यक्ति बनना, इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस है।